So the first question is, a loose uniform sand with grounded grains has effective grain size of 0.05 cm. The coefficient of permeability of the sand is option A, 0.25 cm per second, B option 0.5 cm per second, C option 1 cm per second and D option 1.25 cm per second. Himachal Pradesh JEE 2021 में question पूछा गया है. So grain size की value given है and find करना है coefficient of permeability. So coefficient of permeability की जो formula होता है, that is K is equal to होता है C D 10 square. ठीक है. So C की value, C is a constant and C की value होती है, that is 100 and D 10, that effective size की value given है 0.05. So put करते हैं 0.05, तो square कर देते हैं. ठीक है. तो solve करेंगे, value आएगी 0.25 centimeter per second. तो coefficient of permeability की value कितनी आ गई, that is 0.25 centimeter per second. So option A जो होगा correct होगा. Next question is, the void ratio of a soil sample is given by 0.58. What is the porosity of the soil sample? So option A 0.157, B option 0.367, D option 0.524 and D option 0.602. Himachal Pradesh JEE 2021 mein question pucha gaya hai. So given hai void ratio, that is given hai 0.58 and the porosity given, porosity kya karna hai, find karna hai. So porosity, that is N is equal to hota hai E upon 1 plus E. पुट करते हैं वैल्यू, दैट इज 0.58 एंड 1 प्लस ई क्यू हो जाएगा, दैट इज 1.58. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी, दैट इज 0.367. सॉरी, सो सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू होगी 0.367. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा, पोरोसिटी की वैल्यू, दैट इज 0.367. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीडिंग्स ऑब्टेन्ड इन द लिक्विड लिमिट टेस्ट इज प्लॉटेड ऑन अ डायग्राम इन व्हिच द वाटर कंटेंट इज शोन ऑन वाई एक्सिस and the strokes are shown on x-axis. This term says option A saturation curve, B plasticity curve, D liquid curve and C liquid curve and D flow curve. UPPCL J 2014 and UPPSC A 2007 में question पूछा गया है. So इस question में बोला गया है कि water content जो है y-axis पे, water content y-axis पे एंड नंबर ऑफ ब्लोज है एक्स एक्सिस पे. तो ये नंबर ऑफ ब्लोज क्या होगा, एक्स एक्सिस पे. तो इस टाइप के जो 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 ग्राफ होगा इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, फ्लो कर्व बोला जाता है. ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ब्लोज एंड वाई एक्सिस पे वाटर कंटेंट. तो ये हो गया दिस फ्लो कर्व एंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व जो है, इस स्लोप के, इस कर्व के जो स्लोप होगा उसको बोला जाता है, दैट इज फ्लो इंडेक्स. क्या बोला जाता है, दैट इज फ्लो इंडेक्स. तो स्लोप ऑफ दिस कर्व इज नोन एज फ्लो इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज आई एफ जे. ठीक है, तो आई एफ इज इक्वल टू हो गया, दैट इज डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन लॉग एन टू माइनस लॉग एन वन. ठीक है, सो डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन लॉग टेन, दैट इज एन टू अपॉन एन वन. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा, फ्लो कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉइल इज ड्राई फ्रॉम द लैटेंट वाटर. सो ऑप्शंस गिवन है एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश जेई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो द वर्ड सॉइल इज ड्राई फ्रॉम द लैटेंट वाटर, दैट इज सोलम एस ओ एल यू एम, मीनिंग्स द सबस्ट्रेटम इन विच द प्लांट ग्रो. ठीक है, सो लैटेंट वाटर जो जिससे ड्राई हुआ सॉइल, उसका जो लैटेंट वाटर क्या है, दैट इज सोलम है. सो इस पेपर में यहाँ पे मिस्टेक्स थी, जो क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश जेई 2021 में, यहाँ पे है एस ओ एन यू एम है. तो होना क्या चाहिए, एस ओ एल यू एम होना चाहिए. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि जो कि दिया गया है उसमें ऑप्शन ए करेक्ट गिवन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल having a liquid limit of 65% and the plasticity index of 50%, then the plastic limit of this soil will be option A 15%, 50%, 115% and 65%. Himachal Pradesh JEE 2021 mein question pucha gaya hai. So liquid limit ki value given, it is WL given hai 65%. Plasticity index ki, that is IP ki value given hai, that is 50%. Find karna hai plastic limit, that is WP find karna hai. तो प्लास्टिक इंडेक्स इक्वल टू होता है, दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. पुट करते हैं वैल्यू, सो ये गिवन है 50% में परसेंटेज ले रहे, तो 50 हो गया, ये कितना है 65 है एंड डब्ल्यू पी, तो डब्ल्यू पी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 15%.
तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा दैट इज 15%। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज व्हाट विल द एक्टिव अर्थ प्रेशर इफ द बल्क डेंसिटी इज 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइ इज इक्वल टू 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट इज 3 मीटर। ऑप्शन ए 18 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी 54 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, सी 6 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डी 18.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। हिमाचल प्रदेश जे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो फाइ गिवन है 30 डिग्री है, फाइंड करना है एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो पहले निकाल लेते हैं के निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड के इक्वल टू होता है दैट इज 1 माइनस साइन फाइ अपॉन 1 प्लस साइन फाइ, ठीक है। सो पुट करते हैं दैट इज 1 माइनस साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी दैट इज 1.3, ठीक है। एंड हमको फाइंड करना है एक्टिव अर्थ प्रेशर, एंड तो एक्टिव अर्थ प्रेशर इक्वल टू अगेन दैट इज के गामा इनटू एच। के की वैल्यू फाइंड कर लिया दैट इज 1.3 आ गया। बल्क डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 18, तो पुट कर देते हैं 18, एंड एच की वैल्यू कितना है दैट इज हाइट ऑफ द एंकेबल इज 3 मीटर, तो 3 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गया दैट इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन किलोमीटर इफ द बल्क डेंसिटी इज 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाइ इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट इज 3 मीटर। सो ऑप्शन ए गिवन है दैट इज 27, बी 54, सी 60 एंड डी 18.5। तो क्वेश्चन पूछा गया हिमाचल प्रदेश जे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो ये जो पेपर था इसमें एक्टिव प्रेशर के बाद ही क्वेश्चन पूछा गया था, एक्टिव प्रेशर के हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, सीक्वेंस में था। सो के हम लोग फाइंड कर चुके थे लास्ट क्वेश्चन में, इट इज 1/3 आया था। फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट दैट इज 1/2 इंटू के इंटू गामा एच इंटू एच, ठीक है। अगर ये आपका ये हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट है, ठीक है, ये आपकी है इट इज के इंटू गामा इंटू एच है, ये आपके हाइट है एच है, ठीक है। सो हमको थ्रस्ट फाइंड करना है, तो एरिया इसका पूरा एरिया हो जाएगा, ठीक है। सो 1/2 इंटू गामा के की वैल्यू कितना है, 1/3 आई थी, और गामा 18 गिवन है, एच कितना गया 3 इंटू 3, ये कैंसिल हो गया, ये बच्चा है इट इज 9, 27, तो कितना आ गया दैट इज 27 किलो न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा दैट इज 27 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पैसिव अर्थ प्रेशर इफ द बल्क डेंसिटी इज 80 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइ इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट इज 3 मीटर। ऑप्शन ए दैट इज 162, ऑप्शन बी 154, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। हिमाचल प्रदेश जे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे एक्टिव प्रेशर पैसिव अर्थ प्रेशर फाइंड करना है, तो के स्क्वायर टू होता है दैट इज 1/KP होता है, एंड तो KP स्क्वायर टू हो गया दैट इज 3, ठीक है, क्योंकि तो हमको K की वैल्यू को पता है के स्क्वायर टू होता है 1/3 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमको फाइंड करना है पैसिव अर्थ प्रेशर, तो पैसिव अर्थ प्रेशर इक्वल टू अगर इट इज के पी इंटू गामा इंटू एच, ठीक है, तो 3 इंटू गामा 18 और इंटू एच दैट इज 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 162 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा दैट इज 162 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर दैट इज 1/3 एंड देन कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर विल बी, ऑप्शन ए 1/3, बी 1, सी 0.5 एंड डी 3। हिमाचल प्रदेश जे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर दैट इज के की वैल्यू गिवन है 1/3, फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर दैट इज के पी फाइंड करना है। तो के इक्वल टू होता है 1/KP, तो ये पुट करेंगे तो के इक्वल टू 1/KP,
सॉरी केपी इक्वल टू हो गया 1/k, पुट करेंगे वैल्यू कि कितने का 3, तो केपी की वैल्यू आएगी 3, तो ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वेट रेशियो इक्वल टू 0.5 वुड बी, ऑप्शन है 33.3%, बी 50%, सी 66.6% एंड डी 75%। एस एस जी 2016 एंड हिमाचल प्रदेश जी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फाइंड करना है पोरोसिटी एंड ई की वैल्यू गिवन है 0.5। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन दो बार आ चुके हैं, एक बार पहले भी आ चुका, फिर क्वेश्चन पूछा गया इस पेपर में। सो सिंपली है, आपको ई एंड फाइंड करना है, तो एन इक्वल टू होता है ई अपॉन 1+ई, पुट करते हैं 0.5 अपॉन 1+0.5, तो ये हो गया डेट इज 0.5 अपॉन 1.5, तो ये हो गया डेट इज 5/15 डेट इज 1/3। सो अगर परसेंटेज में लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 33.3%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, डेट इज 33.3%। थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।